खबर बाबा नगरी से। बाबा नगरी देवघर में आज बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पूजा अर्चना करेंगे। बताया जा रहा है कि 12:30 बजे बाबा बागेश्वर देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से धीरेन्द्र शास्त्री सीधे बाबा मंदिर जाएंगे। बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद देवघर कॉलेज मैदान जाएंगे, जहां वे दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक प्रवचन देंगे। बाबा बागेश्वर के प्रवचन के लिए कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही बता दें कि शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि बागेश्वर बाबा को लेकर ये तमाम श्रद्धालुओं की भीड़, और आज प्रवचन है बागेश्वर बाबा का बाबा नगरी में, और ऐसे में लोगों में काफी उत्साह है। लोगों की भीड़ काफी वहां पे लगी है बाबा के प्रवचन को सुनने के लिए। तो पूजा अर्चना, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पूजा अर्चना करेंगे वहां पहुंचने के बाद, जिसके बाद उनका ये प्रवचन होगा। तो इसी पर हम सीधे अपने सहयोगी अजय लाल से जुड़ते हैं, जो कि वहां मौजूद हैं। अजय, देखिए आज बाबा धीरेन्द्र शास्त्री वहां पहुंचेंगे, श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। ठीक, हम आपके पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग वहां पहुंचे हुए हैं, कैसा ये भक्तिमय माहौल है। अजय, बिल्कुल पूर्णिमा, इस वक्त बाबा नगरी देवघर के कॉलेज ग्राउंड के पास मैं मौजूद हूँ, और तमाम चेहरे, तमाम लोग सीधे कॉलेज ग्राउंड की तरफ आ रहे हैं। मैं भक्तों की भीड़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जय बाबा बागेश्वर। पूरी तरह से आस्था का सैलाब जहाँ जहाँ नजर दौड़ाएंगी पूर्णिमा, आपको सिर्फ और सिर्फ भक्तों की भीड़ दिखाई पड़ेगी। तमाम लोगों की कोशिश है कि बाबा बागेश्वर का एक बार दर्शन कर लिया जाए। आज कोई दिव्य दरबार नहीं है, कोई पर्ची भी नहीं निकाली जाएगी, बावजूद इसके भक्तों की देखेंगे आस्था। ऐसे लोग पश्चिम बंगाल से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, और पटना से आए हैं। देखेंगे हाथों में तस्वीर, खड़े हो जाइए माँ जी, देखेंगे पूरी तरह से आस्था का सैलाब लोगों में, और ये आस्था आज पूरी तरह से बिल्कुल बागेश्वर धाम गए थे। मेरा घर यही देवघर है। गीत गाएंगी आप? हाँ। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के मनाएंगे, ख्वाजे खुले जाएंगे। राम आएंगे मेरे देव घर के भाग, आज खुले जाएंगे। गुरु जी आएंगे, गुरु जी आएंगे तो ये है भक्ति। दादा गुरु महाराज आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु और बालाजी सरकार, यानी बैठ जाइए अपनी जगह चलाइए, बिल्कुल जय हो जय हो। बैठ जाइए दीदी, बैठ जाइए, और देखेंगे लोग कैसी व्यवस्था के साथ यहाँ है। दूर दूर से, दूर दराज से लोग चूड़ा गुड़ लेकर, और 2 दिन पहले से ही इस स्थान पर अपना उन्होंने बसेरा बसा लिया है। तमाम भक्त झूमते हुए आपको नजर आएंगे, तमाम भक्त आपको भक्ति में सराबोर नजर आएंगे, और पूरी तरह से आस्था का सलाम में दिखाने की। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए ना, आइए आ जाइए। पूरी तरह से आस्था का सलाम यहाँ पे, और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ से आई हो तुम? बांका जिला। बांका? हाँ। भागलपुर? हाँ। भागलपुर बिहार से लोग आए हैं, क्या इच्छा है मन में? भगवान अब जो पूरा करे मन में इच्छा, वो बताना तो नहीं ना चाहिए किसी को, वो है तो वो भगवान तो जानते ही है ना, तो इसी वजह से। और बागेश्वर बाबा का दर्शन भी करेंगे? यस जरूर। हर हर महादेव बोल। हर हर महादेव। ये है पूर्णिमा, यहाँ पर आस्था, और दूर दराज से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक छोटा बच्चा जी, अजय, तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है भक्तों के बीच में। हम चाहेंगे कि आप और भी वहाँ मौजूद भक्तों से बात कराएं, और उनसे जाने कि वो कैसे महसूस कर रहे हैं, कैसा धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन शुरू हो रहा है। बिल्कुल, क्या नाम है बच्चे का? क्या नाम है? नाम बताओ। रुद्र। क्या बोलना चाह रहा बच्चा छोटा? जय जय श्री राम। बोलो, देंगे दोनों हाथ। बहन जी, कहाँ से आई हैं आप? हम लोग देवघर के ही रहने वाले हैं।
के पड़ोसी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भोलेनाथ के पड़ोसी है। तमाम भक्त जहाँ जहाँ नजर दौड़ाएंगी पूर्णिमा, आपको भक्त के अलावे और कोई भी दिखाई नहीं पड़ेगा। सिर्फ बोलिए बोलिए, अपनी बात रख दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। चलिए हर हर महादेव हो गया आपका, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। दीदी कुछ गा दीजिए बाबा बागेश्वर के लिए। हम कल कलकत्ता से आए हैं, 1:30 बजे से प्रोग्राम बनाए। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग गए हैं, राम राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। तो ये भक्तों की जो उत्साह है वो साफ तौर पर अजय लाल देखिए देखने को मिल रही है। लोग काफी उत्साहित हैं, जितने भी वहां श्रद्धालु मौजूद हैं सभी को इंतजार है धीरेन्द्र शास्त्री जी का, कि वो वहां जल्द से जल्द पहुंचे, उनका प्रवचन शुरू हो और लोग उनके प्रवचन का लुत्फ ले पाए, आनंद ले पाए। ये नजारा काफी भक्तिमय देखने को मिल रहा है। हम आपसे जुड़े रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद तब तक के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बाबा नगरी देवघर में आज बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का ये प्रवचन का प्रोग्राम, और ऐसे में आप तस्वीर देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है, श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं, भक्तिमय माहौल है, सभी को इंतजार है कि बाबा वहां पर पहुंचे और उनका प्रवचन शुरू हो। लोग बाबा के इंतजार में बहुत पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।